हाँ चुनावी टेंशन, हरियाणा में चुनावी टेंशन पैदा हुई तो पक्की पेंशन का वादा सामने आ गया। सरकारी नौकरी पूरी तरह से बिल्कुल पूरा करेंगे, इसमें एक रत्ती भर भी शक नहीं है। नहीं, आप तो इकोनॉमिस्ट हैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल, आप तो अर्थशास्त्र भी जानते हैं, बताइए ना कैसे देंगे। ना चुनावी घोषणा पत्र में आपके एक भी लाइन जिक्र है, ना कैबिनेट अप्रूव्ड डिसीजंस में एक भी लाइन का जिक्र है पक्की पेंशन वाली सरकारी नौकरी। पक्की पेंशन, लेकिन मैं तो गोपाल जी कोई मैकेनिज्म होगा ना भाई, कैसे देंगे? एनपीएस अभी हरियाणा में लागू है, पहले कौन से मैकेनिज्म पे दिया जाता है? एनपीएस के तहत तो मिलती नहीं पक्की पेंशन, आप ओपीएस पर जाएंगे या कोई और व्यवस्था करेंगे हरियाणा में? जो अमित शाह जी ने कही है, ये मेरे ख्याल से वो बिना पढ़े लिखे वापस आ जाते हैं यहाँ पर आके बोलिया, यहाँ पर जो भाषण देते हैं वो 15 लाख के जुमले करने वाली बात करते हैं। भूतपूर्व सैनिक तो कहते हैं साहब ये एक और जुमला छोड़ दिया कि पॉलिटिकल मंच से बड़ी बड़ी बातें लोग कह रहे, तभी तो इनकी क्रेडिबिलिटी गई। अरे भाई कुछ करना होता तो आप दो पिछले 3 महीने थे तो महाराष्ट्र के, बिहार के, उत्तर प्रदेश के, ओडिशा के, बंगाल के, उत्तर प्रदेश के अलावा जहां हिमाचल के, कर्नाटका के अग्निवीरों ने क्या बिगाड़ा। ऑल राइट गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल के एक और नए डिबेट वीडियो में। 2014 के लोकसभा इलेक्शन के समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनता से बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, और जब इन वादों को इलेक्शन के बाद पूरा नहीं किया गया तो विपक्ष के साथ साथ जनता भी इसको जुमले वाली सरकार कहने लगी, क्योंकि सरकार ने वादे तो बहुत सारे किए थे लेकिन इनको पूरा नहीं किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार ने सभी वादे नहीं पूरे किए। आर्टिकल 370 को जब 2019 में स्क्रैप किया गया था तो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इसका सपोर्ट कर रही थी और इसका क्रेडिट भी बीजेपी को दे रही थी। लेकिन जब 14 जून 2022 को सरकार ने सेना में भर्ती के लिए अग्निवीर योजना को लागू किया तो उस समय से ही जनता के साथ साथ विपक्ष भी कह रहा था कि यह जो योजना लागू की गई है वो देश के साथ साथ सेना के लिए भी सही नहीं है, और जनता भी इसका विरोध कर रही थी। लेकिन सरकार इसको मानने के लिए तैयार नहीं थी और लगातार नए नए प्रलोभन जनता को दे रही थी कि अग्निवीर जब 4 साल के बाद रिटायर होकर आएंगे तो उनको ये सुविधाएँ दी जाएंगी। लेकिन जनता इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी, और यही कारण है कि लोकसभा इलेक्शन 2024 में बीजेपी का जो 400 पार का जुमला था वो घट करके 240 पर आकर लटक गया। और राजस्थान के झुंझुनू क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार शुभकरण चौधरी ये कह रहे थे कि यदि समय रहते हुए अग्निवीर योजना को सुधार दिया जाता तो शायद वो चुनाव ना हारते, यानी कि वो जो इलेक्शन हार गए थे लोकसभा इलेक्शन 2024 में वो जीत जाते हैं। तो जनता के साथ साथ बीजेपी के नेता भी यही कह रहे हैं कि अग्निवीर योजना में बदलाव किए जाने चाहिए, लेकिन सरकार इसे मानने को तैयार नहीं है। 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है इस चुनाव को जीतने के लिए। जहां पर राहुल गांधी ने अग्निवीर की योजना को लेकर के क्या कुछ कहा, आइए इस वीडियो में देखते हैं। अग्निवीर जानता है कि ये नाम सिर्फ अग्निवीर है, इसका सच्चा मतलब मेरा जो हक है, हिंदुस्तान के जवान को जो हक है, पेंशन है, कैंटीन है, शहीद का दर्जा है, वो छीन ली गई है, वो चोरी कर ली गई है और वो अदानी को दी गई है। ये अग्निवीर का मतलब। और हरियाणा में तो आप इसको बहुत अच्छी तरह समझते हो, इसीलिए सरकार बदलनी है। इसके बाद देश के गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह ने यह कहा कि हरियाणा में जो भी अग्निवीर का बंदा वापस आएगा 4 साल के बाद उसको हम पक्की पेंशन वाली नौकरी देंगे। हरियाणा का एक भी अग्निवीर पेंशन वाली नौकरी के बगैर नहीं रहेगा। और यहीं पर जो थी वो बात फंस गई, यानी कि यदि वे 4 साल बाद जो अग्निवीर हरियाणा में आएगा उसको पक्की पेंशन वाली नौकरी देंगे तो देश के दूसरे भागों में जो अग्निवीर पहुंचेंगे उनको कौन नौकरी देगा और पक्की पेंशन का वादा कौन करेगा? और इसी मुद्दे पर आज का पूरा डिबेट बेस्ड है। एंकर गरिमा सिंह ने बीजेपी प्रवक्ता से यह पूछा कि ठीक है आप नौकरी में तो वरीयता दे रहे हैं अग्निवीर को जो 4 साल के बाद नौकरी करके आएंगे वापस, लेकिन आप उनको पक्की पेंशन की बात किस हिसाब से कर रहे हैं? अभी तो हर राज्य में जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर एनपीएस लागू है और एनपीएस खुद पक्की पेंशन देने का वादा नहीं करती है, तो फिर आप ऐसे क्या बदलाव करेंगे कि आप पक्की पेंशन देंगे अग्निवीर को जो हरियाणा में वापस आएंगे? और आपने अभी तक इसको लेकर के कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? क्योंकि पिछले 5 साल तो बीजेपी की सरकार थी, यदि उनको
ऐसा कुछ करना था तो वो उनको अब तक का एक्शन ले लेना था। और क्या बीजेपी ने हरियाणा में अग्निवीरों को पक्की पेंशन देने का वादा केवल जुमले के रूप में किया है कि एक बार चुनाव जीत जाते हैं फिर देखेंगे आगे क्या करना है? तो आज का डिबेट वीडियो इसी मुद्दे पर आधारित है कि हरियाणा में जो वापस आएंगे अग्निवीर उनको पक्की पेंशन दी जाएगी, तो दूसरे राज्यों में जो अग्निवीर पहुँचेंगे उनके लिए क्या व्यवस्था है, क्या उनको भी पक्की पेंशन वाली नौकरी दी जाएगी? तो आज का डिबेट वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन मैं तो राहुल गांधी, चलिए फर्ज कीजिए नैरेटिव है, गलत गढ़ रहा, भ्रांति फैला, फिर से जुमला तो नहीं। आज जो देश के गृह मंत्री ने कहा वो तो भ्रांति नहीं है ना कि वो पक्की पेंशन वाली सरकारी नौकरी हर हरियाणवी अग्निवीर को देंगे। तो कैसे देंगे गोपाल कृष्ण अग्रवाल? भाई देश के गृह मंत्री कह रहे हैं तो गलत तो नहीं कह रहे होंगे, कैसे देंगे ये बता दीजिए। देखिए सबसे पहली बात है कि अगर आप इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि राहुल गांधी गलत नैरेटिव खड़ा करते हैं और अमित शाह जी ने, गृह मंत्री जी ने कहा है कि मोदी जी, उन्होंने मोदी जी का नाम भी लिया, मोदी जी की गारंटी है जो देश के प्रधानमंत्री है, उन्होंने कहा कि हरियाणा के अग्निवीर को हम पूरी तरह से पेंशनेबल नौकरी देंगे, पक्की पेंशन वाली सरकारी नौकरी पूरी तरह से, बिल्कुल पूरा करेंगे, इसमें एक रत्ती भर भी शक नहीं है। नहीं, आप तो इकोनॉमिस्ट हैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल, कैसे देंगे ये बता दें। परेशान हो गए बीजेपी को। देखिए सबसे पहली बात है कि अगर आप इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि राहुल गांधी गलत नैरेटिव खड़ा करते हैं और अमित शाह जी ने, गृह मंत्री जी ने कहा है कि मोदी जी, उन्होंने मोदी जी का नाम भी लिया, मोदी जी की गारंटी है जो देश के प्रधानमंत्री है, उन्होंने कहा कि हरियाणा के अग्निवीर को हम पूरी तरह से पेंशनेबल नौकरी देंगे, पक्की पेंशन वाली सरकारी नौकरी पूरी तरह से, बिल्कुल पूरा करेंगे, इसमें एक रत्ती भर भी शक नहीं है। नहीं, आप तो इकोनॉमिस्ट हैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल, प्रॉमिस किया, आप तो अर्थशास्त्र भी जानते हैं, बताइए ना कैसे देंगे। देखिए कैसे देंगे, अगर सरकार कमिटमेंट करके चल रही है तो उसका रास्ता भी निकालेंगे। अभी जैसे अलग अलग, अल्टीमेटली अग्निवीर से जो 75% लोग जो रिटायर होंगे उनके लिए सरकार अलग अलग महकमों में, सरकारी अफसरों में, इवन प्राइवेट कंपनीज में भी उनके लिए रिजर्वेशन खड़ा कर रही है। तो हमें, ठीक है, प्रजातंत्र में महत्वपूर्ण गरिमा जी, हमें रिजर्वेशन तो हो गया गोपाल जी, एक मैं तो इस सवाल पर आना चाहती हूँ, एक सेकंड मैं ये मानकर चल रही हूँ कि देश के गृह मंत्री ने, अगर अमित शाह ने चुनावी रैली में कहा पक्की पेंशन वाली सरकारी नौकरी, तो मैं ये मानकर चल रही हूँ कि डन, टेस्टेड, ट्राइड है क्वेश्चन, पक्की पेंशन वाली नौकरी। तो आप कह रहे हैं भाई जब वादा किया है तो देंगे ना, चुनावी घोषणा पत्र में आपके एक भी लाइन जिक्र है ना, कैबिनेट अप्रूव्ड डिसीजंस में एक भी लाइन का जिक्र है पक्की पेंशन वाली सरकारी नौकरी। अगर गृह मंत्री जी कह रहे वो अपने मंच से कह रहे कि हम पक्की नौकरी अग्निवीर को देंगे तो आप उस पर विश्वास करते हैं? पक्की पेंशन, लेकिन मैं तो गोपाल जी, कोई मैकेनिज्म होगा ना भाई, कैसे देंगे? एनपीएस अभी हरियाणा में लागू है, पहले कौन से मैकेनिज्म पे दिया जाता? नहीं नहीं, एक क्या गोपाल जी, एक सेकंड, कहीं हम भटक रहे हैं। ये तो मैंने मान लिया कि 10% सरकारी नौकरी हॉरिजॉन्टल हरियाणा सरकार देगी, कांस्टेबल भर्ती करेगी, जेल वार्डर की भर्ती करेगी, एसपीओ की भर्ती करेगी, ये मैंने मान लिया। लेकिन सरकारी नौकरी वो पक्की पेंशन वाली नौकरी नहीं है ना भाई, वो तो एनपीएस के तहत पेंशन मिलती है उनको। तो आपको है? नहीं नहीं, एनपीएस तो सरकारी नौकरी में जो पेंशनेबल लोग हैं जिनको कुछ भी, एनपीएस अलग एक वॉलंटरी स्कीम है, इसका मतलब नहीं है कि एनपीएस में जिन लोगों को एनपीएस में लाएंगे वो वॉलंटियर, कोई भी आ सकता है। हरियाणा में आपने ऐलान कर दिया 17 जुलाई को कैबिनेट की बैठक बैठी कि 10% रिजर्वेशन देंगे, अब घोषणा पत्र में आपने कह दिया कि सरकारी नौकरी देंगे। इसके पहले बीजेपी शासित राज्यों में ये लिस्ट है मेरे पास, उत्तर प्रदेश में घोषणा हो गई आरक्षण की सीमा पता नहीं, मध्य प्रदेश में पता नहीं, राजस्थान, उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, अरुणाचल में, असम में, कहीं पता नहीं, सब ब्लैंक कॉलम से। तो जहां जहां चुनाव होंगे वहां वहां आप तय कर देंगे कि आरक्षण कितना होगा, कितना पेंशन मिलेगा। नहीं तो प्रजातंत्र में जनता ही डिसीजन लेती है, हम तो इंप्लीमेंट करते हैं, जनता कहेगी जो वो चीज की जाएगी, जनता की
प्रमुखता से जो आवाज होगी, प्रजातंत्र, हम प्रजातंत्र में पूर्ण विश्वास रखने वाले लोग हैं, जो जनता कहेगी, जनता के रिसोर्स, टैक्स पेयर जनता है, जनता के रिसोर्सेज है, कांग्रेस की तरह नहीं है कि माइनॉरिटी का पहला अधिकार है। और जहां चुनाव होंगे वहां वहां भाई ये तो जहां जहां, ये तो राजस्थान के आपके अपने प्रत्याशी कह रहे हैं, जहां चुनाव वहां वहां, यहां लेकिन फंस गई क्या भाई? ए, जनता कहेगी कुछ नहीं, हरियाणा की जनता कह रही है ये सुन गया क्योंकि चुनाव है, और राजस्थान में आपके प्रत्याशी में अग्निवीर स्कीम की वजह से हारा, सीकर में राजस्थान में आपके प्रत्याशी सुमेधानंद, उनकी बात सुन के हमें लगता है कि किसी चीज में बदलाव की जरूरत है तो करते। हमने कभी नहीं कहा कि ये, हमने जो तय कर लिया वो सरकार, देश पलट जाए, संसार पलट जाए, हम उसके ऊपर ही चढ़ रहे हैं। अब हम तो जनता की बात से करेंगे, और मैं जोड़ रही हूँ और बड़ी जिम्मेदारी से जोड़ रही हूँ, कृष्ण गोपाल कृष्ण बड़ी जिम्मेदारी से जोड़ रही हूँ, हरियाणा में अग्निवीर के शहीद हो गया तो बच्चों को स्कॉलरशिप भी मिलेगी, हरियाणा में सरकारी नौकरी भी मिल जाएगी, आरक्षण भी मिल जाएगा, मनोनीत भी हो जाएंगे, तो यहाँ भी बांट दिया महाराष्ट्र के, बिहार के, उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के, और हिमाचल के और कर्नाटका के अग्निवीरों ने क्या बिगाड़ा? लेकिन अगर 10% वो ऑलरेडी रिजर्वेशन जिसकी आप कर्नल रोहित बात कर रहे हैं, 10% रिजर्वेशन अगर रिटेन भी करता है तो पक्की पेंशन तो रिटेन नहीं करती ना, वो पक्की पेंशन तो एडिशनल है, पेंशन की जो रिजर्वेशन है, 10% की जो रिजर्वेशन है वो पहले से एग्जिस्ट करती है, दैट इज फॉर एक्स सर्विसमैन, लेकिन उसका पेंशन तो एक्स सर्विसमैन का स्टेटस नहीं है, एक्स सर्विसमैन का स्टेटस नहीं है अग्निवीर का, और अग्निवीर के कोई पेंशन नहीं मिलती है, 4 साल के बाद उसको 11,52,000 मिलते हैं, जिसमें से 5,76,000 उसके हर महीने जो 9,000 रुपए काटे जाएंगे उसको इकट्ठा करके उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि अग्निवीर को एक्स सर्विसमैन के तौर पर कंसीडर करने का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, लेकिन जारी होगा क्या अंजुमारा? अब देखिए मैं आपको जो कहना चाह रहा था कि बीजेपी की सेंटर में भी सरकार है, स्टेट में भी सरकार है, इनके पास बहुत समय अवेलेबल था, ये नोटिफिकेशन जारी करते, सबके सामने लेके आते तो लोग इनकी बातों पे कुछ यकीन करते, लेकिन इनकी मंशा जो है हमारे अग्निवीरों को पेंशन ना देने की है, ना देने की है, एलिजिबिलिटी गई। अरे भाई कुछ करना होता तो आप लोग पिछले 3 महीने थे जो सेशन था आपका, वो आप उस सेशन में जो अभी सेशन था अगस्त में मॉनसून सेशन पार्लियामेंट में, उससे पहले सब विड्रॉ कर लेते ना, 1 लाइन की बजाय आप 20 लाइन बोल रहे हैं। और देखिए हरियाणा सरकार में राज्य सैनिक बोर्ड है जिसका सारी उम्र 60-65 साल तक जिसका जो सेक्रेटरी था वो एक ब्रिगेडियर था, पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक सिविलियन बिठा रखा है वहां पे, आप समझते नहीं हो, जो हमारी अभी कर्नल साहब बात कर रहे थे, एक एक डिस्ट्रिक्ट में हमारा जिला सैनिक बोर्ड होता था, उसका अध्यक्ष होता था एक आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर, वो 4-4, 5-5 डिस्ट्रिक्ट में एक आदमी है, जो हमारी एग्जिस्टिंग है उसको तो कर नहीं रहे, ये एक जुमला है और हरियाणा के लोग इसको बिल्कुल समझते। तो आज के डिबेट वीडियो में आपने देखा कि कैसे एक बार फिर से इलेक्शन जीतने के लिए बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, लेकिन क्या ये पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव जीतने के बाद जनता से किए गए वादों को पूरा करेंगी कि भी या नहीं, ये आने वाले समय में पता चलेगा। और हरियाणा के इलेक्शन के बाद यह बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि बीजेपी के द्वारा किए गए वादे रियल वादे होते हैं या केवल एक एक जुमला ही रह जाते हैं, जैसे 2014 के इलेक्शन से पहले जुमलों की बात की गई थी और 15-15 लाख रुपये अकाउंट में पहुँचाए जा रहे थे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।